ऋषि घर में आकर सबके सामने अपने आप को संभाल ना पाने की वजह से गिर गया वीरेंद्र के ऊपर और वीरेंद्र ने मार दिया ऋषि को धक्का और लक्ष्मी ले ली मजबूरी में बलविंदर से शादी करने का फैसला। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब आयुष ऋषि को ढूंढते हुए ऋषि के पास पहुंचेगा और ऋषि को कहेगा कि ऋषि भाई ये आपने क्या हालत बना ली है, तभी यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा और बहुत ज्यादा रोने लगेगा और आयुष को कहेगा लक्ष्मी ने मुझे बहुत डांटा और वो डांट एंड लक्ष्मी की बात यहाँ मेरे दिल पर चुभी है और रोते हुए कहेगा मुझे बहुत दर्द हो रहा है लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाता। ये सब ऋषि रोते हुए कहकर आयुष को गले लगा लेगा और खड़ा हो जाएगा और खड़े खड़े और ज्यादा रोते हुए ऋषि आयुष को कहेगा देखना भाई, आज मैं अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे संभालने वाली और मुझे बचाने वाली तो चली गई है। ये कहकर आयुष ऋषि के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहेगा कि लक्ष्मी भाभी वापिस आ जाएगी, आप फिक्र मत करिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यह सुनकर ऋषि आयुष को दोबारा से गले लगा लेगा जिसके बाद आयुष ऋषि को घर ले जाएगा जहाँ पर ऋषि पूरी तरह से नशे में धूत होकर घर पहुँचेगा और घर में नीलम वीरेंद्र से लेकर ऋषि की बहन सोनिया तक ऋषि का इंतजार करी होगी। तभी ऋषि घर के दरवाजे पर खड़ा होकर सबको देखता रहेगा और इसीलिए जब आयुष ऋषि को कहेगा कि ऋषि भाई क्या हुआ चलिए घर के अंदर आइए, तभी यह सुनकर ऋषि नशे में लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आएगा और एक जगह वीरेंद्र के सामने खड़ा होगा। तभी ऋषि अचानक से नशे की हालत में वीरेंद्र के ऊपर गिर जाएगा जिसके बाद वीरेंद्र ऋषि को अपने से दूर करते हुए धक्का मार देंगे और कहेंगे ऋषि तुम मुझसे दूर है, आज से तुम मेरे करीब कभी मत आना क्योंकि तू इस घर के बेटे होने के लायक है ही नहीं, तूने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तुझे मिलकर आएगी। यह सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी लेकिन चाची के घर में चाची की लड़की नेहा का रिश्ता आएगा और नेहा को देखने के लिए जब लड़के वाले चाची के घर आएंगे तभी लक्ष्मी नेहा की शादी उस लड़के के साथ पक्का करने के लिए चाची के घर पे सारा खाना पीना पहले से ही रेडी करके रखेगी और इसी वजह से जब वीरेंद्र के दोस्त को पता चलेगा कि लक्ष्मी की चाची के घर पे लड़के वाले देखने आए हैं तभी बलविंदर का दोस्त बलविंदर के पास जाकर कहेगा कि बलविंदर भाई वो लक्ष्मी भाभी है ना, उन्हें देखने के लिए रानो के घर पे यानी कि लक्ष्मी की चाची के घर पे लड़के वाले देखने आए हैं। यह सुनकर बलविंदर को काफी बड़ा शौक लगेगा और इसी वजह से बलविंदर लक्ष्मी की शादी किसी के भी साथ ना होने देने के लिए रेडी हो जाएगा और अपनी कसम खाकर कहेगा कि बल्लू की कसम आज तो मैं साम दाम दंड भेद सब कुछ पहल दूंगा लेकिन लक्ष्मी की शादी मेरे अलावा किसी के साथ होने नहीं दूंगा। ये बलविंदर सब अपने आप से बात करकर गुस्से से लक्ष्मी के घर जाएगा और घर में जाकर लड़के वाले के पापा जो पंडित जी होंगे उसे डायरेक्टली बलविंदर नमस्ते करेगा और कहेगा कि माय सेल्फ बल्लू यानी बलविंदर आप जिसे देखने के लिए आए हैं वो मेरी होने वाली पत्नी है, इसीलिए इस घर से वापस लौट जाएं क्योंकि वो आपके बेटे की कभी होने नहीं वाली, वो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरी है। यह सुनकर लक्ष्मी की चाची सबके होश उड़ जाएंगे और इसीलिए लक्ष्मी की चाची रानू गुस्से से बलविंदर को कहेगी बलविंदर ये लक्ष्मी को देखने के लिए नहीं बल्कि नेहा को देखने के लिए आए हैं, ये मेरी बेटी नेहा का रिश्ता है, तुझे किसने कहा कि ये लक्ष्मी को देखने आए हैं। ये सुनकर बलविंदर के होश उड़ जाएंगे और बलविंदर माफी मांगेगा लेकिन तभी लड़के वाले के पापा पंडित जी गुस्से से उठकर चाची को कहेंगे कि पहले आप इसकी शादी अपनी बेटी वो लक्ष्मी के साथ करवाइए तभी हमारे बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ होगी। यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और लक्ष्मी सिर्फ चाची के लिए बलविंदर के साथ शादी करने के लिए हाँ कह देगी और कहेगी मेरी वजह से किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। यह सुनकर बानी शालू के होश उड़ जाएंगे और लेकिन लक्ष्मी की शादी अगर बलविंदर के साथ हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा और आप ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी को फिर से एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं और ऋषि लक्ष्मी एक हो जाना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।